अब इसमें हम ऑयल ब्रश करेंगे। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी, साथ में ये टेस्टी भी है। ये है चिला, राइस चिला। राइस चिला बनाने के लिए हमें चाहिए राइस। यहाँ पे मैंने नॉर्मल राइस जो हम लोग घर पे खाते हैं वो वाला यूज़ किया, कोई बासमती राइस नहीं है ये। इसको मैंने पानी में अच्छे से धो के भिगो के रखा है, कम से कम 4 घंटे इसको भिगोएंगे, उसके बाद इसको इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। 4 घंटा बाद चावल को मैंने अच्छे से मिक्सी में पेस्ट बना लिया है इसका, और इसमें मैंने पानी मिलाया था। इसका कंसिस्टेंसी इस तरह का है। अब इसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट हम मिलाएंगे वो है, अब इसमें हम मिलाएंगे नमक स्वाद अनुसार, इसमें हम मिलाएंगे अदरक बारीक कटा हुआ। मैंने 1 कप राइस लिया था, उस हिसाब से मैं नाप ले रही हूँ। आप अगर ज़्यादा चावल लोगे तो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा ज़्यादा नाप। हरी मिर्च, ये है करी पत्ता, इसको मैंने बारीक काट लिया है। ये है एक स्मॉल साइज का अनियन, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। सारे इंग्रेडिएंट मैं अच्छे से मिलाऊंगी इसमें। साथ में इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी अजवाइन। अब हम इसका चिला तैयार करेंगे। चिला बनाने के लिए मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। तवा गरम हो चुका है, अब इसमें हम ऑयल ब्रश करेंगे। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तवा गरम हो चुका है, अब इसमें हम मिक्सचर पोर कर देंगे। आपको जितना बड़ा छोटा बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हो। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे, इसे थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में। आप चाहो तो इस समय इसे ढक के भी पका सकते हो, लेकिन मैं ओपन ही पका रही हूँ। 5 मिनट तक मैंने चिला को पकने के लिए छोड़ दिया था, ये साइड से निकल चुका है, छोड़ चुका है साइड। अब हम इसे पलट देंगे, दूसरे साइड से भी इसे पका लेंगे। अब इसे दूसरे साइड से पलट कर देख लेते हैं। दूसरे साइड से भी ये लाल हो चुका है, क्रिस्पी हो चुका है, और ये पूरी तरह से सर्व करने के लिए तैयार है। इस तरह से हम बाकी के चिला भी बना लेंगे। इसी के साथ बनके तैयार है राइस चिला। तो इसी के साथ बनके तैयार है राइस चिला। आपने देखा ये कितना कम ऑयल में बना, और कम ऑयल होने के कारण ये बहुत हेल्दी भी है, और इसमें एकदम लेस इंग्रेडिएंट लगता है जो घर पे इजीली अवेलेबल होते हैं। आप इसे इजीली नाश्ते में खा सकते हो बना के। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके कोई भी थॉट्स हो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।